बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर प्लस इन अ क्लास several times as a function overloading with different data types, pass different types of values, perform different operations and return the results values. C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करें several times, जिसके अंदर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होंगी, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के लिए ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, जिस तरह फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं। डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज को पास करेंगे, पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट को यूज करते हुए, और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट्स को रिटर्न करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास कौन से हैं? प्लस का बाइनरी ऑपरेटर है। इट इज यूज विद टू ऑपरेंड्स। बाइनरी ऑपरेटर इस वजह से कहलाता है क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान यूज होता है। बेसिकली इस ऑपरेटर का मकसद एथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन का। लेकिन जब हम इसको एज अ फंक्शन नेम यूज करेंगे तो ये इसका अल्टरनेटिव बिहेवियर होगा, जो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा, और ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे सेवरल टाइम। फंक्शन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, जैसा कि इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, स्ट्रिंग। इन डेटा टाइप्स के ऊपर अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लेट्स सपोज एडिशन का ही, तो हमें मुख्तलिफ फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेटा टाइप। इंटीजर्स के लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप का फंक्शन बनाना पड़ेगा, फ्लोट की डेटा टाइप के लिए फ्लोट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग को अगर प्लस करना है तो उसके लिए सेपरेट फंक्शन आएगा जो स्ट्रिंग डेटा टाइप के हवाले से होगा। एक ही फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज नहीं हो सकता, हर एक डेटा टाइप के लिए एक अलहदा से फंक्शन बनाएंगे। इस वजह से सेम नेम का फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए जब बनेगा तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है। ये वो करंट सिनेरियो है कि जब सेम नेम का फंक्शन मल्टीपल टाइम यूज होगा, लेकिन उसके अंदर डेटा टाइप्स डिफरेंट होंगी। इंटीजर को हैंडल करने के लिए फ्लोट को हैंडल करने के लिए, करेक्टर को हैंडल करने के लिए स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, डिफरेंट डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए सेपरेट फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। नेम उनका सेम होगा क्योंकि उसके अंदर एक ही जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है जो कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, बल्कि एक ही फंक्शन होगा जो तमाम डेटा टाइप्स के लिए यूज हो जाएगा, और उस कंसेप्ट को फंक्शन टेम्पलेट, और वो कंसेप्ट फंक्शन टेम्पलेट कहलाता है, जिसके अंदर एक फंक्शन एक से ज्यादा डेटा टाइप्स के लिए यूज हो सकता है। फंक्शन टेम्पलेट्स को आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। C++ के अंदर बाइनरी ऑपरेटर डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए किस तरह से ओवरलोड होगा और किस तरह से वैल्यूज पास होके रिजल्ट शो करेंगी, आइए देखते हैं। EMDEV C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद है, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम x1 है डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू साइन कर दी 20। फ्लोट टाइप का वेरिएबल f1 डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू साइन कर दी 15.5। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल इसका नाम str1 है डिक्लेयर करवाया
साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी। क्लास के कीवर्ड के साथ माय क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, पब्लिकली उसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू साइन कर दी 10। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल एफ डिक्लेयर करवाया और साथ ही वैल्यू साइन कर दी 10.2। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल str डिक्लेयर करवाया और उसको वैल्यू साइन कर दी स्ट्रिंग। बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ऑपरेटर के कीवर्ड के साथ ओवरलोड किया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसको एक इंटीजर वैल्यू पास होगी, ये प्रोटोटाइप डिफाइन किया। उसके बाद सेम बाइनरी ऑपरेटर प्लस ओवरलोड हुआ ऑपरेटर के कीवर्ड के साथ जिसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है। इसके अंदर भी एक ही पैरामीटर है लेकिन उसकी टाइप फ्लोट है। उसके बाद एक और दफा बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। इसके अंदर भी एक ही पैरामीटर पास हो रहा है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। तीन प्लस के बाइनरी ऑपरेटर्स ओवरलोड किए जिनके अंदर एक ही पैरामीटर पास हो रहा है लेकिन उनकी डेटा टाइप्स डिफरेंट है। तीन मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को मैनेज करने के लिए तीन डिफरेंट फंक्शंस बनाने पड़े। क्लास को क्लोज कर दिया, इंट मेन, मेन को स्टार्ट किया, माय क्लास का एक ऑब्जेक्ट सी डिक्लेयर करवाया, सी आउट के साथ स्टेटमेंट आ जाएगी सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू है एक्स वन प्लस सी डॉट एक्स, साथ ही एंडल है। उसके बाद सी आउट के साथ स्टेटमेंट आ जाएगी सम ऑफ फ्लोट्स इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू है एफ वन प्लस सी डॉट एफ, साथ में एंडल। उसके बाद सी आउट के साथ एक और स्टेटमेंट, स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो हो रहा है सम ऑफ स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू, किसके अंदर से वैल्यू लेनी है एस टी आर वन प्लस सी डॉट एस टी आर, लास्ट के ऊपर एंडल है। रिटर्न जीरो, मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। बाइनरी ऑपरेटर प्लस के ऑपरेटर को ऑपरेटर के कीवर्ड, क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम रेस है डिक्लेयर करवाया। फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा रहे हैं एक्स वन प्लस रेस, रेस के अंदर जो वैल्यू पास होके आएगी प्लस एक्स वन के अंदर जो वैल्यू है, दोनों को प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट्स रिटर्न हो जाएंगे। फंक्शन को क्लोज कर दिया। फ्लोट टाइप के फंक्शन को इसके अंदर फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल रेस डिक्लेयर करवाया, फंक्शन के अंदर रिटर्न करेंगे एफ वन प्लस रेस, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह इंटीजर के अंदर रिटर्न की थी वैल्यू। फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप को डिफाइन किया जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहे हैं एस टी आर वन प्लस रेस, फंक्शन को क्लोज कर दिया। इस तरीके से तमाम फंक्शंस को क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। मेमोरी के अंदर तीन वेरिएबल डिक्लेयर होंगे जो ग्लोबली डिफाइन हुए थे, x1, f1, str1। x1 को वैल्यू साइन हो जाएगी 20, f1 को वैल्यू साइन हो जाएगी 15.5 और str1 को स्ट्रिंग असाइन होगी my। उसके बाद क्लास का एक ऑब्जेक्ट c डिक्लेयर होगा जिसके अंदर तीन मुख्तलिफ वेरिएबल्स और फंक्शंस होंगे। x, f और str। x को साइन हो जाएगी वैल्यू 10, f को वैल्यू साइन होगी 10.2, str को वैल्यू साइन हो जाएगी स्ट्रिंग। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी
Cout के साथ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा सम ऑफ इंटीजर वैल्यू कहां से लेनी है x1 प्लस सी डॉट एक्स, एक्स वन के अंदर वैल्यू 20 है प्लस फंक्शन कॉल होगा यहां से उसको वैल्यू पास करेंगे सी डॉट एक्स, सी के एक्स के अंदर 10 है कंट्रोल यहां से जंप करेगा और फंक्शन के ऊपर मूव कर दिएगा, कंट्रोल ऑपरेटर के ऊपर आएगा यहां पे वैल्यू इसको पास होगी 10। इस फंक्शन के अंदर रेस का एक वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है वो डिक्लेयर होगा और उसको वैल्यू साइन हो जाएगी 10। इसके अंदर रिटर्न करें x1 प्लस रेस, x1 के अंदर 20 है, रेस के अंदर 10 है, प्लस का नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, 30 की वैल्यू रिटर्न होगी और यहां पे आएगी वैल्यू सम ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, एंडर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सम ऑफ फ्लोट्स एफ वन प्लस सी डॉट एफ, यहां से फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल मूव करेगा कंट्रोल इस फंक्शन के ऊपर आएगा यहां पे वैल्यू सेंड होगी 10.2। फंक्शन के अंदर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल जिसका नाम रेस है डिक्लेयर होगा और उसको वैल्यू साइन हो जाएगी 10.2। फंक्शन के अंदर रिटर्न करें f1 प्लस रेस, f1 के अंदर 15.5 है, रेस के अंदर 10.2 है, नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ प्लस का 25.7 आंसर आया और जो के रिटर्न हो जाएगा। साथ ही हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी सम ऑफ स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू str1 प्लस सी डॉट str, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर जाएगा, कंट्रोल फंक्शन के ऊपर आया यहां पे वैल्यू मूव होगी स्ट्रिंग की 10। फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल रेस के नाम से जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और इसको वैल्यू पास हो जाएगी स्ट्रिंग, इसके अंदर रिटर्न करें str1 प्लस रेस, str1 के अंदर माई है, रेस के अंदर स्ट्रिंग है, कंकैटिनेशन रिजल्ट आ जाएगा माई स्ट्रिंग, रिटर्न कर देंगे वैल्यू एंडर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर रिटर्न जीरो और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 30, सम ऑफ फ्लोट्स इज इक्वल टू 25.7 मिस्टेक, सम ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म किया था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी फ्लोट की वैल्यूज को लिखने में, 25.7 है नॉट 27.5। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा किस तरह से प्लस के ऑपरेटर को सेवरल टाइम ओवरलोड किया, जिस तरह फंक्शन ओवरलोड करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को उसके अंदर पास किया, पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट को यूज करते हुए और ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें
ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।